हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु के नाम की महिमा हो। कहिए आप सब कैसे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, प्रभु यीशु के लहू में, प्रभु यीशु के जीवन में, प्रभु के नाम की महिमा हो। और आज का दिन आपके मेरे लिए एक सुहावना दिन है, मनोहर दिन है। आज के दिन के दिन परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। आज की सुबह हम सब के लिए आशीषों की सुबह है। आज की सुबह हमारे जीवन के लिए आनंद की सुबह है। प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं जानता हूँ आप हमारे इस प्रोग्राम का इंतज़ार करते रहते हैं, आप हमारे प्रार्थना का इंतज़ार करते रहते हैं। आज की प्रार्थना आपके इंतज़ार के लिए प्रतिफल का कारण होगी। आज की प्रार्थना आपके जीवन के लिए आशीष का कारण होगी। प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। सामर्थी परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर, इस समय को हम आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। दयावान परमेश्वर, जैसे कि आपने कल परमेश्वर जितने भी लोगों ने मॉर्निंग प्रेयर को सुना परमेश्वर, आपने इन सबको आशीषित किया प्रभु। आज की जो परमेश्वर सुबह की प्रार्थना है, इसे जितने भी लोग सुनते हैं परमेश्वर, इनके जीवनों में अशांति की जगह शांति उतर आए, हर एक दुख की जगह सुख उतर आए, हर एक परेशानी की जगह परमेश्वर जय उतर आए। मसीह यीशु के जीवित और पवित्र नाम में परमेश्वर, आज का वक्त इनके लिए आशीषों का वक्त होने पाए। मसीह यीशु के जीवित नाम में परमेश्वर, आज का इनका उदासी का समय परमेश्वर यीशु के नाम में आनंद में बदल जाए। धन्यवाद करते अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद स्वामी। मैं अपने परिवार के ऊपर आपके अनुग्रह की दृष्टि को मांगता हूँ प्रभु। मैं प्रभु में जो बेटे और बेटियाँ हैं, इन सब के ऊपर आपकी दया को मांगता हूँ। आपका नाम इनके जीवन के द्वारा ऊंचा किया जाए, आपकी रोशनी इनके जीवनों के द्वारा दिखाई देने पाए। और प्रभु जी, इन सबको कोशिश ये परमेश्वर, इन सब के ऊपर आपने कोशिश की है, ये सब जानने पाए कि आप किस तरीके से मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए। प्रभु, आपका जीवित होना हम सब के लिए आशीष का कारण है। आपका जीवित होना हम सब के लिए आनंद का कारण है। आपका जीवित होना परमेश्वर हम सब के लिए छुटकारे का कारण है। धन्यवाद स्वामी राजा, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आज के सुंदर वचन पर हम आपकी आशीष को मांगते हैं प्रभु। आज के वचन को परमेश्वर, जितने भी लोग सुनते हैं, सब आशीषित होने पाए प्रभु। आज का वचन इनकी आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए, आत्मिक तौर से बढ़ोतरी का कारण होने पाए। धन्यवाद, प्रार्थना आपके पुत्र मसीह यीशु के जीवित नाम में मांगते हैं, आमेन और आमेन। प्रेज लॉर्ड। वो महान परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो दयावान परमेश्वर है, वो हमारे जीवनों में अद्भुत काम करना चाहते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हमें पता होना चाहिए कि कौन हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा, और जिसके जीवित होने के कारण हम सब बचाए गए। बाइबल परमेश्वर का वचन लूका उसकी 16 अध्याय उसकी 31 आयत में यदि हम पढ़ें तो वहाँ पर एक स्टोरी लिखी है लाजर और धनवान के विषय में। लाजर और धनवान जो थे, वो दोनों ही अलग अलग किस्म के व्यक्ति थे। और धनवान जो था वो बहुत ही अमीर व्यक्ति था, जिसके पास बहुत कुछ था, नौकर चाकर, खाने पीने की वस्तुओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन लाजर को रोज़ एक उस धनवान के दहलीज के पास छोड़ दिया जाता, और लाजर धनवान के झूठन को खाया करता, और धनवान के पास रहता और वहाँ पर हड्डियों को चूसा करता। मीन्स उसके जीवन के अंदर सुख नहीं था। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, दोनों ही अलग अलग परिस्थिति में आगे बढ़ रहे थे। धनवान अपने धन के साथ आगे बढ़ रहा था, लाजर अपनी गरीबी के साथ आगे बढ़ता और बढ़ गया।
एक वक्त आया जब वो दोनों ही अपनी अपनी परिस्थिति के अंदर आगे बढ़ रहे थे, और एक वक्त आया कि लाजर की भी मृत्यु हो गई और धनवान की भी मृत्यु हो गई, दोनों ही इस दुनिया से चले गए। और दोनों ही जब अपने अपने स्थान पर पहुंचे, उन स्थान का नाम क्या था? लाजर अब्राहम की गोद यानी स्वर्ग में पहुंचा, और धनवान नरक में पहुंचा, यानी कि उस जगह पर जहां आत्माएं तड़प जाती हैं, आत्माएं अपनी सजा को प्राप्त करती हैं। ध्यान से सुनिएगा, दोनों अलग अलग स्थान पर पहुंचे, लेकिन हम यहाँ पर एक बात को गौर करते हैं। क्या हुआ? धनवान जिस वक्त नरक में पहुंचा, उस वक्त धनवान ने प्रार्थना की। जब लाजर को अब्राहम की गोद में देखा तो वो बहुत हैरान हो गया, पर स्वर्ग में देखा तो वो बहुत हैरान हो गया, और ये क्या हो गया मेरे साथ? क्योंकि दुख, दुनिया में दुख काटने वाला व्यक्ति स्वर्ग चला गया, और दुनिया में सुख काटने वाला व्यक्ति नरक चला गया। ध्यान से सुनिएगा, वहाँ पर धनवान ऊंची आवाज़ में बोलता है, हे अब्राहम, हे अब्राहम, हे पिता परमेश्वर, आप लाजर से कहें कि मेरे मुंह में आकर चिचली उंगली का थोड़ा सा टुपका पानी का डबो कर वो मुझे दे दे, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है, यहाँ की गर्मी सहन नहीं होती, यहाँ क्या दुख सहन नहीं होता, यहाँ की तपन सहन नहीं होती। और लाजर बड़े ही खुश था, आनंद में था, उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं थी, वो किसी से भी अपनी हेल्प के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर दुख और मुसीबतों का समय नहीं था, वहाँ स्वर्ग था, और स्वर्ग के अंदर सिर्फ शांति और आनंद पाया जाता है। उस वक्त जब धनवान को पता लगा कि लाजर स्वर्ग में नहीं, नरक में नहीं आ सकता, और धनवान स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों के बीच में एक बड़ी खाई है, दोनों के बीच में एक बड़ा खड्डा है, जिसके कारण वो उस धनवान उधर और लाजर इधर नहीं आ सकता था। इसी कारण धनवान ने सोचा कि जिस प्रकार मैं नरक में पहुंचा हूं, धनवान को एकदम से अपने पांच भाइयों की चिंता हो गई, परेशान हो गया धनवान। उसने सोचा कि जैसे मैं यहां पर आया हूं, एक दिन मेरे भाई भी यहां पर आएंगे। इसलिए धनवान ने फिर से प्रार्थना की, फिर से रिक्वेस्ट की कि आप मरे हुओं में से मेरे भाइयों के पास किसी को भेज दीजिए, ताकि वे लोग भी बचाए जाएं। तब वहाँ पर स्वर्ग से आवाज़ आती है कि यदि मरुओं में से कोई जीवित होकर वहाँ पर तेरे भाइयों के पास पहुँचेगा तो भी वो नहीं बचा पाएंगे, तो भी वो उनकी बात का विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सुसमाचार प्रचार करने के लिए वहाँ पर भविष्यद्वक्ता हैं, सुसमाचार प्रचार करने के लिए वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की गवाही लगातार दे रहे हैं। यदि वे उनका विश्वास नहीं करते तो मरे हुए में से कोई जीवित होकर उनके पास जाएगा तो भी वो उनका भी विश्वास नहीं करेंगे। बाइबल परमेश्वर का वचन लूका 16 अध्याय उसकी 33 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि और उसे कोड़े मारे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जीवित हो जाएगा। प्रभु यीशु जब मुर्दों में से जीवित हुए तो प्रभु यीशु की बात का भी बहुत से लोगों ने विश्वास नहीं किया, परंतु फिर भी लगभग लोगों ने यीशु मसीह का विश्वास किया, बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के जी उठने का विश्वास किया और यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। याद रखिएगा, आम कोई मरा हुआ व्यक्ति अगर जीवित होगा और गवाही देगा तो उसकी गवाही को कोई नहीं सुनेगा, लेकिन यीशु मसीह आम लोगों में नहीं आते। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। प्रभु यीशु का जीवित होना एक अनोखा जीवित होना था। मसीह यीशु स्पेशली मरने के लिए तैयार किए गए थे, स्पेशली वो जीवित होने के लिए ठहराए गए थे। इसलिए प्रभु यीशु का मारा जाना और प्रभु यीशु का जीवित हो जाना हम सब के लिए आशीष का कारण बना। और जिस वक्त हम मसीह यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, तो जैसे मसीह यीशु
पाप के लिए, शराब के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए और वो जय प्राप्त कर कर जीवित हुए। सेम उसी तरीके से हम भी जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बैप्टिज़म लेते हैं तो हम भी मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं और तीसरे दिन जीवित हो जाते हैं, यीशु मसीह की मृत्यु को पहन लेते हैं और हम भी ये ऐसा महसूस करते हैं जैसे मैं श्राप से छुड़ा दिया गया हूँ, पाप से बचा लिया गया हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर हमें सुख आराम देना चाहते हैं, परंतु ध्यान दीजिए लाजर की मृत्यु पर। लाजर जी ने जीवित, जब वो जीवित थे, मेरा दिल करता है उन्हें जी शब्द इस्तेमाल करना, मेरा दिल करता है उन्हें जी बोलने का। लाजर जी जिस वक्त जमीन पर थे तो उन्होंने एक बार भी परमेश्वर से नहीं कहा प्रभु मुझे अमीर बना दीजिए, प्रभु मुझे अमीर बना दीजिए। लाजर जी कहीं ना कहीं जानते थे कि इस दुनिया की अमीरी मुझे स्वर्ग तक नहीं पहुंचा सकती, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा मुझे स्वर्ग तक पहुंचा सकती है। यदि आज आप भी स्वर्ग जाने का सोचते हैं, यदि आज आप भी प्लान बनाते हैं कि मैं भी स्वर्ग में जाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा, संसार की वस्तुओं की आशीषों की खोज में मत रहिए, संसार के सुख और विलास की खोज में मत रहिए, बल्कि आप परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कीजिए। बाकी सारी वस्तुएं परमेश्वर आपको यूं ही देने की सामर्थ रखते हैं। इसलिए आज आप अपने जीवन के अंदर इस बात का प्रण लीजिए कि जैसे लाजर परमेश्वर के पास गया वैसे ही मैं भी जा सकता हूँ। जैसे लाजर ने किसी भी सुख विलास का, किसी भी भोग विलास का उसने अभिलाषा नहीं की, वैसे ही मैं भी अभिलाषी नहीं हूँगा। परमेश्वर जो चाहेगा वो अपनी मर्जी से मुझे देने की सामर्थ रखता है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे जीवन में आइए और मेरे जीवन में आप लाजर जी की तरह काम कीजिए। जैसे लाजर को संसार की अभिलाषाओं की अभिलाषा नहीं हुई, जैसे संसार की वस्तुओं की अभिलाषा नहीं हुई, वैसे ही आप मेरे भी जीवन को बनाइए ताकि मैं भी उनकी तरह स्वर्ग में वास करने पाऊँ। प्रभु यीशु मेरी सहायता कीजिए। आपका मेरे लिए मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ आशीष का कारण है। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ आपके ऊपर, विश्वास करने के द्वारा मैं जीवित रह सकता हूँ, मैं मरने के बाद भी जीवित रह सकता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है जितने लोग मसीह पर विश्वास करते हैं यदि वे मर भी जाएं तो भी जीवित रहेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु आप मेरे दिल में आइए, मुझे शांति दीजिए, मेरे जीवन में काम कीजिए। धन्यवाद ओ अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस मीटिंग को देख रहे प्रत्येक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु मेरी आवाज़ जितने लोगों तक पहुँच रही उन सबको आपके लहू में छिपा देता हूँ। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आज ये भी सही निर्णय लेकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले व्यक्ति बनने पाए, मसीह यीशु के नाम में ये दुख की वादियों में से निकलकर शांति की वादियों में आ जाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनका जीवन खुशहाल जीवन होने पाए। राबा शिखा नबुरा, राबा खन नबुरा बतनेरी बेखाने शिखा नबुरा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इनके जीवन में आज सुबह सुबह और ताजगी मांगता हूं इनके जीवन में। परमेश्वर ये जहां कहीं भी खड़े हैं इस वक्त, जहाँ कहीं भी खड़े होकर परमेश्वर आपके वचन को सुना, परमेश्वर मैं आशीष मांगता हूँ हर शैतान की शक्तियों को, शैतान की योजनाओं को, जो आज की सुबह के लिए शैतान ने बनाई है उसकी सारी योजनाओं को बांध देते हैं, उसकी सारी युक्तियों को बांध देते हैं। बस यीशु के नाम में यदि किसी ने भी इनके विरोध में जादूगरी की है, यदि किसी ने भी
परमेश्वर इनका बिजनेस बांध दिया है, इनके शरीर के अंदर बारंबार डर समा रहा है, तो परमेश्वर वो की हुई जादूगरी को मसीह यीशु के नाम में आज की सुबह तोड़ देते हैं, आज की सुबह उसका खंडन करते हैं, आज की सुबह शैतान की दुष्ट आत्माओं को घुरकते हैं मसीह यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के जीवित नाम में। इन सबको बल दीजिए कि लाजर की तरह ईमानदार व्यक्ति बनने पाए, लाजर की तरह स्वर्ग में प्रवेश करने वाले व्यक्ति बनने पाए। प्रभु इनकी सहायता कीजिए, आपकी दया को मांगते हैं, आपके तरस को मांगते हैं, और मसीह यीशु के जीवित नाम में वचन के मुताबिक काम करने वाला व्यक्ति इन्हें बनाइए, वचन के मुताबिक चलने वाला व्यक्ति इन्हें बनाइए। धन्यवाद परमेश्वर आज की सुबह आपकी बड़ी सामर्थ के लिए, धन्यवाद परमेश्वर आज की सुबह आपकी शांति के लिए, धन्यवाद परमेश्वर आज की सुबह इन सबको स्पर्श करने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर आज की सुबह इनके जीवनों को बदलने की सामर्थ उंडेलने के लिए। परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद, सामर्थी परमेश्वर धन्यवाद, यीशु राजा, प्रभु यीशु के नाम में इनके घरों में परमेश्वर जितने भी लोग नशा करते हैं उनकी जिंदगियां बदल जाएं, उनके जीवन बदल जाएं, उनका उठना बैठना बदल जाए, उनके विचार बदल जाएं, उनका नशे में समय व्यतीत करना बदल जाए, वो प्रार्थना में समय व्यतीत करने पाए, वो आराधना में समय व्यतीत करने पाए, वो परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करने में समय व्यतीत करने पाए, अकेले में बाइबल पढ़ने में समय व्यतीत करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, हम आशीष मांगते हैं, आपकी दया को मांगते हैं, और पिता यीशु के जीवित नाम में इन सब को आप बल दीजिए कि आपकी मृत्यु का प्रचार कर सके परमेश्वर, आपके जी उठने का प्रचार करने पाए। धन्यवाद, इन सब को बल दीजिए, मसीह यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमेन और आमेन, आमेन। मे गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं जानता हूँ आज के दिन आप आशीषित होंगे, और आज शाम को 7 बजे हमारा फेसबुक पर लाइव है, आप आज का मौका बिल्कुल मत खोएं। आज मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा, आज मैं हर उस दुखी और परेशान और सारी जो समस्याओं से फंसे हुए लोग हैं उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। आज शाम की प्रार्थना आपके लिए बेहद आशीष का कारण होगी। अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, आप सबको बताइए, और आज की सभा में जो फेसबुक पर है उस पर जरूर लेकर आइए। मे गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।